हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 ई फॉर एनवायरनमेंट, लेसन नंबर 10, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चिल्ड्रन, अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपको ये लेसन नंबर 10 पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर जाना और डिफेंस वगैरह कर लेना और बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से मेरे साथ समझ लो और इनकी स्पेलिंग्स लर्न कर लो। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द चैप्टर, हेयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन नंबर 10 फॉर यू। वी नीड टू हैव फन। चैप्टर बहुत ही खास है, देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, द एक्टिविटी डन टू रिलैक्स द बॉडी एंड रिफ्रेश द माइंड इज रिक्रिएशन। माइंड को रिलैक्स करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जो भी एक्टिविटी आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग आउटडोर इनडोर जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं वो कहलाती है आपका रिक्रिएशन। मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट प्रायर टू द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन के बनने से पहले सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करते थे रेडियो, ठीक है। थर्ड है, रिक्रिएशन गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। या तो ऐसा आ जाएगा, रिक्रिएशन गिव्स अस एनर्जी टू डैश एंड डैश, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्क एंड प्ले। या आ जाएगा डैश गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, तो उसमें आंसर आएगा रिक्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, री लिखो, क्रिएशन तो आपको आता ही है, हो गया रिक्रिएशन की स्पेलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर फेयर्स, फेयर होते हैं मेले, कुछ मेलों का नाम बताना है। सूरजकुंड फेयर, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला, कैमल फेयर इन राजस्थान। मेला को आप फेयर मत लिखना, फेयर को आप मेला मत लिखना, जो इनका नाम पड़ा हुआ है वही लिखना। सूरजकुंड के साथ फेयर मत लगा देना, मेला ही लगाना। पुष्कर मेला, कैमल फेयर इन राजस्थान, ठीक है। थ्री एग्जाम्पल्स आर हेयर। Small fairs on street corners on specific days of the week are called weekly market or haat. Haat तो आपकी बुक में नहीं गिवन है, बट इन्हें हाट भी कहते हैं आप वीकली मार्केट कहना। हफ्ते में किसी एक भी दिन जब आपके यहाँ पैट लगती है तो उस दिन को हम वीकली मार्केट कहते हैं इंग्लिश में। सड़कों पर लगती है पैट। These types of shows depict some story with a moral. Puppet shows. इसमें पपेट्स होते हैं, वो कोई एक्ट दिखाते हैं, कोई सीन क्रिएट करते हैं, तो वो हमेशा पपेट्स ही करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन, पी यू डबल पी ई टी, सिंगल पी नहीं लगेगा। सम पॉपुलर अट्रैक्शंस ऑफ सर्कस, सर्कस की कुछ एक्टिविटीज़ बताइए। गर्ल्स राइडिंग बाइसिकल्स ऑन सिंगल व्हील, रोप डांस, बैलेंसिंग कप्स एंड सॉसर। एट्थ, थिएटर के जो प्लेज होते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्रामा, आर ग्रेटली इंजॉयड बाई पीपल। गिव द अनदर नेम फॉर ड्रामा, थिएटर प्लेज, एंड दे आर ऑल्सो इंजॉयड बाई पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के डिफरेंट फॉर्म्स बताइए। सीरियस प्लेज विद अ मैसेज, तो फर्स्ट काइंड हो गई। डांस ड्रामा, स्ट्रीट प्लेज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू लर्न। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एग्जाम में आता तो आप छोड़ आते अगर आप ये मेरी वीडियो नहीं देखते। सीरियस प्लेज विद मैसेज, डांस ड्रामा, स्ट्रीट प्लेज। टेंथ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, फिल्म और सिनेमा। एज इट डिपेंड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यू कैन राइट रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल्सो, बट ये गिवन है बुक में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन आर फिल्म एंड सिनेमा। एलेवेंथ है, प्लेइंग आउटडोर, आउटडोर यानी घर के बाहर खेलना, आउट खेलना, इंडोर माने घर के अंदर खेलना। गेम्स हेल्प टू कीप अवर बॉडी फिट, हेल्दी एंड एक्टिव, थ्री क्वालिटीज आप लिख देंगे। हेल्प टू कीप अवर बॉडी डैश डैश एंड डैश फिट हेल्दी एंड एक्टिव। ट्वेल्थ, बुक्स हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड अवर बेस्ट फ्रेंड्स। ये लाइन बुक में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। डैश हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड आवर बेस्ट फ्रेंड्स। आप किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखाते, इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर बुक्स आएगा। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इंडोर गेम्स लूडो, कैरम डबल आर आएगा, चेस एंड स्क्रैबल। चेस एंड स्क्रैबल अलग अलग हैं, एक मत समझिएगा। फोर एग्जाम्पल्स आर हेयर फॉर यू। एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर गेम्स, वो गेम्स जो आप डोर के आउट खेलते हो यानी कि बाहर खेलते हो, वो होते हैं फुटबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन, ठीक है। देन 15th, सम प्लेसेस इन अर्बन एरियाज विच प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू द पीपल। कुछ ऐसे जगह अर्बन एरियाज में
रूरल एरियाज़ होते हैं गांव, ग्रामीण इलाके, अर्बन एरियाज़ होते हैं शहर वाले इलाके। शहरों में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खुश हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, वो हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, शॉपिंग मॉल्स। दिल्ली, नोएडा, NCR में तो सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में ही लोग वीकेंड्स पर जाते हैं और इंजॉय करते हैं। है म्यूज़ियम्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स टू विजिट। आप सबको म्यूज़ियम में ज़रूर जाना चाहिए। एग्जीबिशन, पिकनिक एंड अम्यूजमेंट पार्क्स, ठीक है, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेज एंड यू मस्ट विजिट ऑल ऑफ दैम टू नो मोर एंड मोर एंड टू गेट योर सेल्फ रिक्रिएटेड, रिक्रिएशन करने के लिए। ठीक है, ये टेबल लर्न कर लेंगे। दिस चिल्ड्रन मैं बता नहीं सकती आपको कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सम क्लासिकल डांस फॉर्म्स, क्लासिकल की आएंगी तो यही लिखनी है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, BT याद रख लेना। कथक जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, KUP याद कर लेना। कथकली केरला, कथकली से याद रखना, केरला, कली केरला, कली केरला। तो कथकली कहाँ पर होता है, केरला में। ऑन दीज आर क्लासिकल डांस फॉर्म, क्लासिकल में तीन आएंगी, BKK याद रखना, BKK क्लासिकल में आएंगी। ठीक है, सम फोक डांस फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है गरबा, क्योंकि सब हम लोग तारक मेहता देखते हैं। ठीक है, तो गरबा गुजरात, GG याद कर लेना। भंगड़ा पंजाब, ये हर किसी को पता है। चाऊ बिहार, CB याद कर लेना, चाऊ बिहार। इस तरीके करके ये हैं फोक डांस फॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्न दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लर्न द टेबल दैट आई हैव टोल्ड यू टू लर्न, और आशा करूँगी कि आपके फुल मार्क्स आएँ, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।